नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन कोतवाली पुलिस टीम ने फॉरेस्ट लिखे हुए बोलेरो वाहन क्रमांक MP21CB0803 से आरोपियों के द्वारा अवैध शराब के परिवहन करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही कोतवाली DI सुंदरेश सिंह मरावी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देशन में एवं DSP श्रीमती भारती जाट के मार्गदर्शन में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ के अवैध विक्रय एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए एवं कार्रवाई करने के संबंध में आदेशित किया गया, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा रेड कार्रवाई करते हुए अमहा फाटक के नजदीक एक सफेद रंग का बोलेरो वाहन MP21CB0803 को चेक किया गया, जिसमें आरोपियों के कब्जे से 16 कार्टून देसी मसाला शराब कुल 800 पाव एवं कुल 144 लीटर 68,000 रुपए की अवैध शराब परिवहन की जा रही थी। कुल 7,00,000 रुपए मशरूका के साथ उमरिया निवासी आरोपी आकाश जायसवाल, सौरभ विश्वकर्मा, आशीष जायसवाल, मनोज जायसवाल एवं शहडोल शराब दुकान मैनेजर ठेकेदार केशव जायसवाल के विरुद्ध कोतवाली उमरिया में अपराध क्रमांक 126/22 धारा 34(2), 39(c), 42 अवकारी एक्ट प्रतिबंध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। इस मामले में जांच कार्रवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अगर किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला जेल के लिए रवाना किया गया है। वही कार्रवाई के दौरान कोतवाली TI सुंदरेश सिंह मरावी, मनीष सिंह, सोनालाल ठाकुर, जयप्रकाश नामदेव, महावीर सिंह, अरविंद सेन एवं राहुल सिंह गुर्जर का विशेष योगदान रहा है। रिपोर्टर शंकर सिंह उमरिया। मामला ये प्रकाश में आया है कि एक जो बोलेरो है जिसमें कि फॉरेस्ट लिखा हुआ है, वो शहडोल रोड में एक अमहा फाटक है वहाँ पे मिली, जिसमें बताया जा कि भारी मात्रा में शराब है। और मुखबिरी से पुलिस को जानकारी मिली थी, उसने पकड़ा वहाँ पे तो देखा कि जो बल्क में है 100 बल्क लीटर से ज़्यादा की शराब है, जो कि बेशकीमती शराब है। पुलिस ने उसको जब्ती बनाई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया। निश्चित रूप से ये जो शराब का वो चल रहा है इस समय धंधा या गांजे का धंधा, वो गंभीर बात है। पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनकी न्यायालय में चालान पेश करें और उनको जो भी कार्रवाई पुलिस कर सकती है वो कर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उमरिया के द्वारा होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया था कि होली त्यौहार के समय में अवैध मादक पदार्थ का परिवहन बिक्री किया जाता है, तो इस पर कार्रवाई किया जाना है। इसी तारतम्य में आज इसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो वाहन MP21CB0803 वाहन से शहडोल से अवैध मादक पदार्थ अवैध शराब पर मौके से जाकर के अमा फाटक पर जैसे गए वैसे वाहन दिखा, वाहन को रोक करके तस्दीक किया गया, उसमें अवैध शराब की पेटियां मिली, जिसके संबंध में वहां चालक जहां उपस्थित चालक और उसमें जो बैठे थे उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने बताया कि शराब अवैध शराब होना बताया, जिसके संबंध में परिवहन करने के संबंध में कागजात चाहा गया जो नहीं होना बताया, जिसमें आकाश जायसवाल, सौरभ विश्वकर्मा, आशीष जायसवाल इन लोगों के द्वारा अवैध शराब परिवहन करना पाया गया। उक्त वाहन में 16 पेटी देसी मदिरा शराब पाई गई, जो कुल 144 लीटर कीमती लगभग लोगों सहित 7,68,000 रुपये कीमती आबकारी एक्ट के तहत उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ में जो ठेकेदार देसी शराब ठेकेदार केशव जायसवाल और मैनेजर मनोज जायसवाल, इनके खिलाफ भी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज चैनल के साथ।